हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? मैं फिर से आ गई आपके लिए न्यू पिकअप आइल रीडिंग लेकर। एंड आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपको मिस करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हैं आपके लिए थ्री पाइल्स। पाइल नंबर 1 मोरालिटी, पाइल नंबर 2 गाइडेंस एंड पाइल नंबर 3 ट्रस्ट। आप लोगों को क्या करना है ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच। आज हमारी फैमिली 20,000 से अबव की हो गई है एंड ये आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से, आप लोगों के बिलीव की वजह से, आप लोगों के लाइक शेयर एंड कमेंट की वजह से हुआ है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे साथ इतनी सारी पर्सनल रीडिंग्स के एक्सपीरियंसेस लिए हैं एंड मुझ पर बिलीव किया है, राइट। एंड जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि आपको क्या करना है। आपको अपनी इंट्यूशन से अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके, डिवाइन को याद करके एक पाइल सेलेक्ट करना है। जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको वो सेलेक्ट करना है। देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स गिवन है, आपको उन टाइम स्टैम्प्स पर जाना है और अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है। इस वीडियो को दैट मीन्स फास्ट फॉरवर्ड करना है एंड फास्ट फॉरवर्ड करते ही आपका पाइल आ जाएगा वीडियो में एंड आपकी वीडियो वहाँ से प्ले होने लगेगी, ठीक है। बट फिर भी मैं बता दूँ कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट करेगी, बट जिन लोगों से ये रेजोनेट ना करे वो लोग प्लीज़ स्ट्रेस में मत आएँ, परेशान ना होएं, ठीक है। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो इस बात को आप मान के चलिए कि ये जनरल है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक ना हो रही हो, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है वीडियो तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं, बचे हुए फाइल चेक कर सकते हैं या फिर अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। उनकी डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। ओके, आई होप कि अब तक आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड मैं पास से इसका व्यू दिखाती हूँ। अपने पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, हम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा मोरालिटी का कार्ड चूज़ किया है, राइट। एंड हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, मैक्सिमम आप में से लोग जो हैं मैरिड हैं, ठीक है, और जो नहीं भी मैरिड हैं वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे होंगे एंड आफ्टर डैट आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड के बाद आप लोग सेपरेटेड हुए हैं, डाइवोर्स हुआ है या फिर डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर आप लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है। एंड इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाना, विचारों का एक समान ना होना, एक पर्सन का बहुत लॉजिकल होना एंड दूसरे का बहुत स्पिरिचुअल एंड डाउन टू अर्थ होना, राइट। तो ये रीज़न है आप लोगों के सेपरेशन के, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूँ कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। अगर हम बात करें उस बारे में तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। इवन आप लोग सेपरेटेड हैं, इवन आप लोगों की हो सकता है बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। एंड आपका दिल भी यही कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं ख्यालात नहीं मिले, कंपैटिबिलिटी नहीं मिली, फैमिली ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की इन सब चीज़ों की वजह से, या फिर मैरिज के टाइम उन्हें लगा कि सोसाइटी नहीं मानेगी या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। बट स्टिल आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते थे, प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। आपको पता है कि आपके पार्टनर रॉन्ग नहीं थे। हालांकि आप लोगों के हो सकता है कि विचारों में मतभेद हो, आपके पार्टनर आपको ना समझ पा रहे हों, ठीक है, बट स्टिल आपको पता है कि वो आपको मिस करते हैं। तो यहाँ पर राइट हो आप, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। आपके बारे में वो पुरानी सारी चीज़ें सोचते हैं, वो सारे मोमेंट्स सोचते हैं जो आप लोगों ने साथ स्पेंड किए एंड उनको सोचकर वो आपको बहुत मिस करते हैं। वो बहुत उदास हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आप क्या उनकी लाइफ से गए, उनकी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। वो आपकी तरफ पॉजिटिव स्टेप लेकर बढ़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट फिर उन्हें लगता है कि अगेन वही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, अगेन वही परेशानियाँ आ जाएंगी एंड वो एक कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। दो राहों के बीच में कंफ्यूज हैं कि प्रपोज करें या फिर अपना कंट्रोल, अपनी ईगो और अपने डिसीज़न पर वो बने रहें, ठीक है, या वो प्रपोज करें या फिर अपने ईगो पर बने रहें। बट बात चल रही थी मिस करने की, तो आपको मिस करते हैं एंड कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन भी ऑब्वियसली होगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये आप लोगों का एडवाइस कार्ड था,
वैसे तो ये पाइल का सिलेक्शन था लेकिन मैंने एडवाइस कार्ड चूज करके निकाला था। तो यहाँ पे एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि जब आपका रिकन्सिलेशन हो तो आप लोग ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें, ठीक है, एक मोरल भाव से, एक नैतिक वे से जो है बातों को डिस्कस करें और उन चीज़ों के सॉल्यूशन निकालें, इंस्टेड ऑफ अगले पिछली चीज़ों को डिस्कस करके, रीडिस्कस करके, आर्ग्यूमेंट्स को रेस करके इस रिश्ते को पूरी तरह से ब्रेकअप कर लें, वो आपको नहीं करना है। सहन शक्ति से जब वो रिकन्सिलेशन करने आए तो थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़े पेशेंस रखने हैं, आर्ग्यूमेंट से बचना है। एंड आप जो भी रिकन्सिलेशन जल्दी चाहते हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, चीज़ें टाइमली प्लेस लेंगी एंड ज़रूर लेंगी, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन अभी के लिए धैर्य बना कर रखना है। ये आपका एडवाइस कार्ड है एंड थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इन दिनों आर्ग्यूमेंट्स रेज हो जाएंगे तो आप उनसे बात ही ना करें, ठीक है। तो ये थी पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया मोरालिटी का कार्ड, उन लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की है, अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स, आप अपने पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, उनकी फ़ीस होती हैं एंड उनकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन मैंने कर दी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने भी ये गाइडेंस का कार्ड ब्यूटीफुल सा चूज़ किया है, मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं, तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। आपके कार्ड्स हैं 10 of Swords, नाइट ऑफ Swords एंड 6 of Swords, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना, सीरियसली मैं बात करूँगी, आपके पार्टनर आपको मिस करने से ज़्यादा ना आपसे नाराज़ हैं। आपके पार्टनर मिस तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं करते हैं, बट वो नाराज़ बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उन्होंने बहुत कुछ किया है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप ही उन्हें नहीं समझ पाए या फिर आप ही ने उनको एक प्रॉपर टाइम नहीं दिया। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत जल्दबाजी में थे, उनको सोचने समझने और चीज़ों को सेटअप करने का टाइम नहीं दिया। आप जो है उनसे मूव ऑन कर गए, आपने हो सकता है उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, तो यहाँ जो है ना वो पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं एंड वो आपको मिस तो करते हैं लेकिन स्टिल नाराज़गी मिस करने से भी ज़्यादा है। वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगेन यही, फिर से यही सब होगा, आपको बहुत सब समझाना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा एंड उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक आप उन्हें नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि आप रियल में उन्हें नहीं समझते, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते का सारा बोझ उन्हीं पर डाल दिया और उनको टाइम नहीं दिया प्रॉपर जो वो लेना चाहते थे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। उन्हें ऐसा लगता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हो, आप चीज़ों को लेकर हरी में रहते हो कि जल्दी मैरिज हो जाए, जल्दी सेटलमेंट हो जाए, जल्दी ये हो जाए, जल्दी वो हो जाए। आप लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे कि उनकी मजबूरी क्या है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए, आपने बोला कि मुझे कमिटमेंट दोगे तो ठीक है, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे लिए एटलीस्ट नहीं हूँ। तो वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें समझा नहीं, आपने उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दिया, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, आप उनसे मूव ऑन कर गए, जबकि वो चाहते थे आपको गाइड करना, अपने बारे में समझाना, अपनी सिचुएशन के बारे में समझाना, लेकिन आपने समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी। उन्हें ऐसा लगता है, अगर बात की जाए कि वो आपको मिस करते हैं तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन मिस करने के साथ साथ उनके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है और उन्हें लगता है कि एक बार बस आप उन्हें अनब्लॉक कर दो तो वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल दें। कुछ ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड आप लोगों का गाइडेंस कार्ड आया है जो कि मैंने गाइड के लिए ही निकाला था कि आपको इस रिश्ते से क्या गाइडेंस चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते के बारे में रीथिंक करने की ज़रूरत है, आपको इस रिश्ते को लेकर किसी बड़े बुज़ुर्ग की सलाह लेने की ज़रूरत है। जिस पर आप बिलीव करते हैं उससे इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कीजिए, सलाह लीजिए। हो सकता है जितना गलत आप इस पर्सन को समझ रहे हो उतना गलत ये हो नहीं, एक्चुअल में ये पर्सन मजबूर हो, एक्चुअल में इस पर्सन के पास परेशानियाँ हों एंड ये राइट टाइम पर राइट डिसीज़न नहीं ले पाया, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा मनमुटाव आ गया, आपने ब्लॉक कर दिया, आपने इससे मूव ऑन हो गए, आपने इसको लाइफ से लेट गो कर दिया। लेकिन रियल में ये रिश्ता वैसा था नहीं, जिस मोड़ पे टूटा हो सकता है आप इनको नहीं समझ पाए, ये आपको नहीं समझ पाए, बट स्टिल यहाँ पे मुझे आपका गाइडेंस का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते के बारे में रीथिंक करने की ज़रूरत है, इसको पूरी तरह से तोड़ने के बजाय
किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरह से तो आप लोगों ने भी नहीं तोड़ा। अगर आप लोगों ने पूरी तरह से तोड़ा होता तो आप आज ये रीडिंग ना देख रहे होते, ठीक है। तो रीथिंक कीजिए, रिकॉन्वर्सेशन कीजिए, अपने पार्टनर से रिकॉन्वर्सेशन कीजिए, चीज़ों को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि सिचुएशन ही गलत हो और जिसकी वजह से आप लोग कुछ गलत ही समझ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप जो लोगों में ज़्यादा लग रही है जो कि हुई है, बट स्टिल वो आपको मिस करते हैं एंड आपसे रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, नाराज़ भी हैं तो थोड़ा सा मनाना भी पड़ेगा, बट फाइनल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप किसी बड़े बुजुर्ग की या फिर किसी ऐसे पर्सन की सलाह दीजिए जो आपको अच्छी सलाह देता हो, राइट। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पॉसिबल चांसेस हैं रिकन्सिलेशन के, किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन क्रिएट की थी, ऐसा भी मुझे इंट्यूशन आ रही है। तो रीज़न कुछ भी हो, चीज़ों को आप खुद समझिए, रिश्ता आपका है, जितना हो सके चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ ब्रेकअप, राइट। तो ये थी पाइल टू, जिन्होंने गाइडेंस का कार्ड चूज़ किया उनके लिए छोटी सी रीडिंग। आपके पर्सन आपको मिस भी करते हैं, रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, गुस्से में हैं, नाराज़गी हैं भी, नाराज़ भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी प्रॉपर व्यक्ति की गाइडेंस लेनी है, ठीक है। इस रिश्ते में समझदारी से आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को एक बार फिर से रीथिंक करना है। अगर आपको लगता है कि आप दोनों नहीं गलत थे, सिचुएशन गलत थी या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, तो ज़रूरत है इस रिश्ते पे थोड़ा सा वर्क करने की, थोड़े से और एफर्ट लगाने की, राइट। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग जो हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो, उनकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल थ्री, जिन्होंने भी ये ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। आपके कार्ड्स हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा होगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों को डिसेप्शन मिली है, धोखा मिला है, आप लोगों का दिल टूटा है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है बहुत। सॉरी गाइस, मेरे डॉगी को एकदम पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं रिश्ते में बार बार आपको नीचा दिखाते रहते हों, आपकी बात सुनते ना हों, आपकी रिस्पेक्ट ना करते हों, एंड आपको नीचा दिखाना उनकी एक हैबिट से बन गई हो, जिसकी वजह से रिश्ता जो है निप नहीं पाया, बिगड़ गया, टूट गया, एंड जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है और अब आप डिवाइन से जस्टिस मांगते हैं। आपको लगता है कि, और कभी कभी आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आपके पार्टनर को उनके कर्मा के रिजल्ट मिले भी हैं या नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर लिया एंड आपको चूज़ नहीं करा, या फिर आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए एंड आप डिवाइन से प्रॉपर जस्टिस मांगते हो। आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। जजमेंट एक कार्ड मुझे बता रहा है यहाँ पे कि आप में से कई लोग ये सोचते रहते हो कि आपके पार्टनर को उनके कर्मा का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, जो कि मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के वो गए थे, वहाँ पर वो खुश नहीं हैं। उनके साथ कर्मा वर्क कर रहा है, कर्मा रिटर्न होकर उन्हीं के पास आ रहा है। सिमिलर वे में थर्ड पार्टी उन्हें ट्रीट कर रही है, उन्हें बात बात में वो नीचा दिखाती है, उन्हें बात बात में वो परेशान करती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है जस्ट लाइक हेल बन गई है। एंड वो जो है सम टाइम आपको मिस भी करते हैं और सम टाइम अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा भी मांगते हैं। तो करंट सिचुएशन उनकी ये है, वो आपको मिस भी करते हैं, उन्हें अपनी गलती का भी एहसास है, वो कुदरत से क्षमा भी मांगते हैं, बट स्टिल कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्मा बैक आता है। तो वो पर्सन भी सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं जो आपको उन्होंने फेस करवाया था, राइट। एंड यहीं पे गाइडेंस के लिए ट्रस्ट का कार्ड मुझे आया है, क्योंकि आप लोग जो हैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखो मुझ पर, ट्रस्ट रखो खुद पर, ट्रस्ट रखो अपने कर्मा पर। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो ईश्वर आपके साथ बुरा होने नहीं देंगे। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गया है तो ये पर्सन आपका लव डिज़र्व ही नहीं करता था। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, तो ये अपने कर्मा का भुगतान यहीं कर रहा है, इसी लाइफ में कर रहा है। एंड आपके लिए बहुत जल्दी एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ ईश्वर ने सोची है जो कि आपके लाइफ में आएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अबंडेंस हो या फिर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हो, ठीक है।
आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है, आपकी उड़ान आगे बहुत अच्छी है, आपके इमोशंस को समझने वाला कोई पर्सन आगे आएगा, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो आपको बहुत अंडरस्टैंड करेगा, बहुत लव करेगा, बहुत प्यार करेगा। एंड ईश्वर कहते हैं कि भरोसा रखो बच्चे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ बुरा होने दे नहीं सकता। आप एक ऐसे रिश्ते को पसंद करके बैठ गए थे जो आपको डिजर्व नहीं करता, उससे सेपरेशन होना ही आपकी भलाई थी उसी में, तो सेपरेशन होना ही था। एंड उसको भी उसके कर्मा की सज़ा मिल रही है, क्योंकि कर्मा रिटर्न होके बैक आता है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आपके पास ईश्वर की ब्लेसिंग है। ईश्वर जहाँ आपको आपके कर्मा की ब्लेसिंग देंगे, वहीं उसको उसके कर्मा की पनिशमेंट भी दे रहे हैं, राइट? तो वो आपको मिस तो करते हैं, सैड भी हैं, सम टाइम रोते भी हैं, एंड उन्हें ये रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, ठीक है? तो ये रीडिंग थी पाइल थ्री, जिन्होंने चूज़ किया ट्रस्ट का कार्ड, कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो यस, उन्हें गलती का एहसास है, वो मिस करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन।